हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एमसीक्यू सीरीज में एमसीक्यू सीरीज नंबर 71 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। तो देखो, मुगल रूल एस्टेब्लिश कब होता है? 1526 में। 1526 में स्टार्ट है जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है, पानीपत, ठीक है ना, फर्स्ट बैटल। तो मेनली देखा जाए कि उसके बाद इंडिया आता है, लेकिन प्रॉपर तरीका से देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट खानवा युद्ध के बाद होता है, क्योंकि जब बाबर को यहाँ लाने में राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा का अहम योगदान होता है। तो राणा सांगा को लगता है कि वो इब्राहिम लोदी को परास्त कर देगा, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जब बाबर इंडिया को देखता है तो यहाँ के धन वैभव और सारी चीजों को देखता है, तो बाबर का इरादा जो होता है कि यहीं लौटने का। तो राणा सांगा और बाबर के बीच फिर खानवा का युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं और मुगल डायनेस्टी का एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर हो जाता है, लेकिन नींव जो है 1526 में ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो मुगल रूल का एस्टेब्लिशमेंट में इंडिया में होने पे क्या हुआ कि स्ट्रेंथेंड अर्बनाइजेशन, हाँ ये हुआ। देखो, इंडिया में तीन फेज अर्बनाइजेशन का, थ्री फेज कहा जाता है। जो फर्स्ट फेज होता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड फेज जो होता है तो वो बुद्धा के टाइम का, ठीक है, बुद्धा के बाद का, जैसे मगध, जो 16 महाजनपद होते हैं, मगध आपके हो गए, फिर डिफरेंट जो 16 हैं, उज्जैनी हैं, सारी चीजें, ठीक है, कोसल, अवंती, ये सारे जो अहिछन, तो ये जो है ये दूसरा फेज होता है। तीसरा फेज जो माना जाता है, थर्ड फेज, वो इल्तुतमिश से लेकर के औरंगजेब तक, तो ये कहीं ये फेज पीक में चलता है, मुगल फेज में आपका पीक में चलता है। तो स्ट्रेंथन अर्बनाइजेशन, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, स्ट्रेंथन इंटर अर्बन कॉन्टैक्ट इन रिपेरियन नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो तटवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत करता है, यानी बहुत सारा रोड वगैरह है और सारी बिल्ड किया जाती है। इनफैक्ट देखोगे कि इन द जो इसी ड्यूरेशन में कुछ टाइम के लिए, जैसे बाबर रहे, बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी कुछ दिन के लिए बने, तो शेरशाह सूरी ने देखो कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। तो वो जो ट्रेडिशन था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और जो इंटर अर्बन कनेक्शन जो था, रोड वगैरह, तो उसको मुगल ने उस चीज को जारी रखा और वो उसको प्रोमोट करा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका है कि इंक्रीज इंडिया सी ट्रेड, यस, इंडिया का सी ट्रेड भी बढ़ा। फोर्थ है डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, नहीं, ये डिक्रीज नहीं हुआ। इनफैक्ट इसी कारण से था जो मुगल पावरफुल होने पे, लैंड पे मुगल बहुत पावरफुल थे, लेकिन वाटर में ये इनका उतना पावर नहीं था। ये जो है, जो यूरोपियन पावर थे उन्हीं के प्रोटेक्शन में ये ट्रेड करते थे, तो इन्होंने रिस्क को कम नहीं किया, ये दूसरे पे डिपेंडेंट थे। इनफैक्ट यही कारण था कि कहीं ना कहीं यूरोपियन जो बार्गेन करने में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सफल थे, तो उसी कारण से उनकी नेवल सुप्रीमेसी के कारण। तो इसमें 1, 2 और 3 ओनली हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन महायना एंड हिनायना फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म ले इन दैट। देखो, महायना और हिनायना, महायना का मतलब होता है कि लार्जर व्हीकल या ग्रेट व्हीकल या लार्जर व्हीकल, और हिनायना का मतलब होता है लेसर व्हीकल और मॉडेस्ट व्हीकल। तो जो हिनायना है, हिनायन बुद्धिज्म जो है, वो ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा में बिलीव करता है, क्योंकि वो उनको लगता है कि जो साल्वेशन होगा वो इंडिविजुअल साल्वेशन होगा, ग्रुप साल्वेशन नहीं होगा। यदि बुद्ध को अपने बूते पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हें साल्वेशन यदि अपने दम पे हुआ था, इनलाइटेनमेंट, तो आपको अपने खुद से मेहनत करना पड़ेगा। और महायना कहता है कि नहीं, दूसरों को भी ये ट्रांसफर किया जा सकता है। वही है कि महायना, और इनफैक्ट महायना जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगा, लेकिन हिनायन जो है वो बुद्धिज्म, वो जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता है। तो महायना अलाउड फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ मेरिट, व्हाइल इन द हिनायना ए पर्सन वुड ओनली हेल्प अनदर बाय एग्जांपल एंड एडवाइस। तो ये है कि आपको खुद ही प्राप्त करना पड़ेगा। बुद्ध पुरुष जो है वो जस्ट गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं है कि उनके शरण में आप रहोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और इनलाइटेनमेंट हो जाओगे, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप एट द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज फोकस्ड ऑन। देखो, ये मैंने लेक्चर जो बनाया था दांडी मार्च पे, एक वीडियो मैंने बनाया था हिस्ट्री में,
तो उस पर ये क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी जी का जो देखोगे प्रॉपर तरीका से इंडिया में जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है वो बीएचयू के ओपनिंग सेरेमनी में फरवरी 1916 में महाना मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो गांधी जी को इंडिया में तब बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ये दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारा चीजें काम किया था। तो एज ए इलीट पर्सन के रूप में, एज ए इनलाइटेंड पर्सन के रूप में उन्हें यहाँ इन्वाइट किया गया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ काफी अच्छा काम करा था। तो यहाँ गांधी जी ने ये कहा कि ऐसा है कि जो आपका लीडरशिप है ये कहीं ना कहीं मासेस से जुड़ नहीं पा रहे हो। फर्स्ट है कांग्रेस स्ट्रेटजी फॉर अपोजिंग द गवर्नमेंट, नहीं इन चीजों पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। कांग्रेस एक्सेप्टिंग ऑफिसेस अंडर गवर्नमेंट, इस पर भी उन्होंने इन्होंने इस पर ये बोला कंडेमनेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फॉर बीइंग एन इलीट फेनोमेना। उन्होंने ये कहा गांधी जी की जो आप नेतृत्व कर रहे हैं तो नेतृत्व के सारे जो लोग हैं हाईली क्वालिफाइड है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सारे वकालत करने वाले हैं, तो जो आप मासेस से बिलोंग नहीं कर रहे हो, जब तक मासेस को नहीं जोड़ोगे तब तक पॉसिबल नहीं। इनफैक्ट देखोगे उसके बाद ही उसी में राजकुमार शुक्ल ने जो चंपारण के किसान थे उन्होंने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उन्होंने कहा कि भाई आप जब मासेस को जब तक नहीं जोड़ोगे तो प्रॉपर तरीका से आप चीजों को नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, पोल्स एक्सपीरियंसेस अबाउट 6 month day एंड 6 month night ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, तो देखो अर्थ जो टिल्ट है वो इस ढंग से टिल्ट है, तो टिल्ट होने के कारण जो ये यहाँ पे होता है ध्रुवों पे, तो वो ध्रुवों पे क्या होता है कि कुछ जगह जैसे सूर्य की स्थिति के पृथ्वी जो स्थिति है सूर्य के सापेक्ष में, तो जो एक टाइम होगा कि उत्तरी ध्रुव पर 6 month तक सूर्यास्त नहीं होगा, एक टाइम दक्षिणी ध्रुव पे, तो वो चेंज होते रहेगा। तो एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ सही है। कोरियोलिस फोर्स, नहीं कोरियोलिस फोर्स के कारण जो होता है ना कि एयर मूवमेंट होता है, एयर मूवमेंट देखोगे कोरियोलिस फोर्स के कारण यानी फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो होता है वो आपका नदर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी अच्छा जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि वो राइट डायरेक्शन में टिल्ट होता है जो एयर मासेस से है, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की ओर टिल्ट होता है। तो फर्स्ट होगा, सेकेंड आपका नहीं होगा, थर्ड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, हाँ ये भी सही है। तो इसका 1 and 3 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। तो देखो अभी डिजास्टर ऑब्वियसली ये एक तरह से एक सीवियर, बहुत सीवियर कैटेगरी का डिजास्टर हम फेस कर रहे हैं जो कोविड-19 के फॉर्म में। तो लेकिन ये नॉर्मली डिजास्टर जो नेचुरल है तो ये एक तरह से बायोलॉजिकल डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर में मान के चलो टेरिस्ट्रियल यानी कि स्थल बेस और एक वाटर बेस, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन जो है आपका वाटर बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, ये आपका वाटर बॉडी हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर इसको कहेंगे। एवलांचे, हाँ वो जो आपका आइस कैप जो होता है जैसे आपका एवलांचे लद्दाख रीजन में आते रहता, तो ये हाँ ये लैंड बेस्ड है। ड्राउट, ये हाइड्रोलॉजिकल कारण से होता है, वाटर पानी नहीं पड़ रहा है तभी तो होगा, तो ये नहीं होगा। 3, ये वोल्कानिक इरप्शन, ये लैंड वेस्ट है। तो 2 and 4 जो है वो लैंड वेस्ट है, और 1 and 3 जो आपका है हाइड्रोलॉजिकल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द वेदाज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज बुक्स ऑफ चैंट। तो बुक्स ऑफ चैंट यानी मंत्रों 4 का जो बुक है वो शाम वेदा है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखो दो टाइप का जो प्रजनन होगा वो सेक्सुअल और असेक्सुअल यानी लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। तो ये जो है असेक्सुअल जो आपका होगा ये आपको सभी के कारण होगा, रूट्स लीव्स और स्टेम्स, जो वो कहते हैं ना कि कलमी का बनाना पेड़ का पत्ता ये से, या फिर आपका स्टेम्स, मेनली स्टेम्स वाले में जो तना वगैरह में उसमें मिट्टी डाल करके उसको प्रॉपर तरीका से ये करते हैं, तो उस टाइप का तैयार होता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एरिया इज इल ड्रेन्ड डैम्प मार्सी एंड थिकली फॉरेस्टेड नैरो ट्रैक, द सॉइल हेयर इज रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर बट डेफिशियंट इन फॉस्फेट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द एरिया इन द, तो ये हो जाएगा आपका तराई। नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ कंसंट्रेशन, फेनोमेना ऑफ कंसंट्रेटेड डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यू ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो ये बायोकुम्युलेशन होता है। इनफैक्ट देखोगे जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे एनिमल्स को प्रॉब्लम, या फिर बर्ड्स को, जैसे गिद्ध जो थे वो बल्चर बल्चर समाप्त हो गए, क्यों, क्योंकि डाइक्लोफेनाक जो यूज होता था तो वो इनके जो
एनिमल से इनमें चला गया और ये इनके शरीर में बहुत ज्यादा जमा हो गया, इसके कारण इनका गिद्ध हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 99% विलुप्त हो गए। तो ये बायोएक्युमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है एक लेयर से दूसरे लेयर में जाता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। बायोट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। और बायोएस्पेरेजिंग का मतलब है कि कोई भी इन सीटू यानी कि किसी गार्डन या उस ढंग से चीजों में जहाँ जो बायो पेस्ट जमा हुआ है उसको बायो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज करना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये एक तरह से चाइल्ड एडॉप्शन से है, क्योंकि देखो ए लॉट ऑफ पीपल हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या किसी कारण से कि उन्होंने शादी नहीं किया है या अपनी अपनी लाइफ की अलग प्रायोरिटी है, तो वो क्या है एडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को। तो इट इज अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सही है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में उसके अधीन काम करता है। इट डील्स विद इंटर कंट्री एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन। हाँ ठीक है, ये आपका हेग कन्वेंशन के अनुसार ये डील करता है, यानी कि इंटर और इंट्रा दोनों, यानी इन देश में भी और देश के बाहर के भी एडॉप्शन। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं कि मान के चलो कोई फॉरेनर है तो हो सकता है इंडियन बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, या कोई इंडियन है वो अमेरिकन बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, तो ये आपका हेग कन्वेंशन के अनुसार इंटर कंट्री एडॉप्शन को भी पर के भी ये डील करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं और इस वीडियो का PDF लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।